इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी के पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए अपने के क्या आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है वो अपने के पास देख। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, ये इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, आई के वन के बराबर, आई के बराबर मान लेते, आई वन क्या मान लीजिए माइनस टू से लेकर के अपने टू के बराबर मॉड एक्स क्यूब और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर है, ठीक है। और होल अपॉन में अपने के किस बराबर दे रखा है, तो ई के पावर में माइनस ई की पावर में अपने के माइनस नहीं एक्स और मॉड एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स वन के बराबर, ये अपने के पास दे रखा है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर अपने के पास जब भी थोड़े से तिक्रमबाजी वाले क्वेश्चन है एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा करके देखिए, तो आई इक्वल टू किस तरह जाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर गौर से देखिए तो अपने के किंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, तो टू माइनस टू माइनस टाइम्स एक्स बराबर, एक्स को अपने किससे रिप्लेस करना है इससे, ये कैंसिल हो, एक्स को अपने के माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया अपने पास माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू, माइनस कॉमन लेंगे मॉड लगा हुआ, ये अपने पास ऊपर वाले एजी चीज रह जाएगा, एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, क्यों देख लीजिए ये अपने पास किस आ जाएंगे माइनस एक्स क्यू के बराबर और माइनस एक्स के बराबर, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स क्यू प्लस टाइम्स वन एक्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और बाहर अपने पास मॉड लगा हुआ, ये माइनस तो अपने पास दिल बेचने चला जाएगा मॉड से, ठीक है बराबर, इसीलिए हम इसको एजी चीज रहने दीजिए। और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो ई की पावर में माइनस एक्स और मॉड एक्स के बराबर, क्यों एक्स की जगह अपने माइनस एक्स रिप्लेस कीजिएगा, मॉड अपने इसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा, और प्लस टाइम्स वन के बराबर सी एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गौर से देखते हैं तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान, पहला क्वेश्चन पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए एड कर लीजिए, जैसे एड करेंगे तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे टू आई इक्वल टू आ जाएंगे अपने इंटीग्रेशन, गौर से देखिए तो ये वाले और नीचे वाला अपने कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाले, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, ये अपने इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आई इक्वल टू अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो ये आ गया मॉड एक्स क्यू और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, ठीक है। और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो इंटू ई की पावर में एक्स और मॉड एक्स के बराबर, ठीक है। और होल अपॉन में अपने ई की पावर में एक्स मॉड एक्स और प्लस टाइम्स वन के बराबर। अगर अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, तो इक्वेशन टू मान लेते हैं, अब अपने दोनों को ऐड कीजिएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेंगे क्या, तो एक्स क्यू और प्लस टाइम एक्स के बराबर, लेकिन यहाँ पर मॉड के बराबर, और ये क्या है माइनस टू से लेकर के अपने के पास टू तक, और ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं जब भी अपने के पास ऐसे लिमिट आए, कैसे लिमिट, तो लोअर लिमिट माइनस ए और अपर लिमिट ए, यानी अपने सेम है, बस अपने माइनस का डिफरेंस हो, तो एक बार अपने क्या कीजिए ऑड इवेंट देख लीजिए। अगर आप गौर से देखते हो तो एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी रिप्लेस करके देख लिए हैं, तो यहाँ से अपने आ जाएंगे टू इंटू जीरो से लेकर के अपने कहाँ तक टू तक, और मॉड एक्स क्यू और प्लस टाइम्स अपने कहाँ तक तो एक्स के बराबर, और डी एक्स के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपने के पास गौर से देखें तो ये मॉड जीरो से टू में ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अपने पास ये टू टू तो गया टू टू गया, यहाँ से आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स की पावर फोर, या तो अपने यहाँ पर लिख देते इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टू तक, और ये आ गया अपने एक्स क्यू और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, क्योंकि अब मॉड का तो काम है नहीं, क्योंकि अपने के पास इस इंटरवल में जीरो से लेकर के टू में अपने ये हमेशा पॉजिटिव होता है, वन माइनस वन से माइनस टू से लेकर के टू में ये निगेटिव हो सकता था, लेकिन जीरो से लेकर के टू तक हमेशा पॉजिटिव मॉड गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स की पावर फोर और अपॉन में फोर के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में टू के बराबर, यहाँ से सॉल्व किए जीरो और टू के बराबर, यहाँ से आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो दो दूनी चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, दो की पावर अपने पास आठ दूनी सोलह, तो आ गया सोलह यानी चार के बराबर, और प्लस टाइम चार ये दो के बराबर, यानी फाइनल आंसर अपने पास किस पर आ जाएंगे सिक्स के बराबर। अब तो कैलकुलेशन करने हैं, फाइनल आंसर सिक्स, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी आपने के पास हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने के जेईई मेंस के बहुत लल्लू सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार किंग लगाइए, क्वेश्चन वहीं पर ढेर हो जाए। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगाओ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।